हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बनाने जा रही हूँ तिल और गुड़ से बर्फी। आशा करती हूँ आप लोगों को रेसिपी पसंद आएगी। ये सर्दियों में बहुत ही अच्छी होती है और क्योंकि गुड़ और तिल दोनों की तासीर गर्म होती है तो ये सर्दियों के लिए बहुत ही फायदेमंद भी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर बनाइए और इसका मज़ा लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं तिल और गुड़ की बर्फी बनाना। तिल और गुड़ की बर्फी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें तिल डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 2 कप तिल यूज किया है। इनको हल्का हल्का भून लेंगे। हमें तिल को ज्यादा नहीं भूनना है, बिल्कुल लो फ्लेम में तिल को भूने। तिल बिल्कुल जब हल्का सा अपना रंग चेंज कर दे और थोड़े से क्रिस्पी होके फूल जाए, हमें बस उतने ही तिल यहाँ पे भुने हुए चाहिए, ज्यादा नहीं। अगर तिल जरा भी ज्यादा भून जाते हैं तो वो कड़वे होने लग जाते हैं। आप चाहे तो इसको लो से मीडियम में भी भून सकते हैं, पर हाई फ्लेम में ज्यादा ना भूने क्योंकि ये जल सकते हैं। अब तिल से बहुत अच्छी स्मेल आने लग गई है और तिल का कलर भी काफी अच्छा चेंज हो गया है, तो फ्लेम ऑफ कर दें। फ्लेम मैंने ऑफ कर चुका है और तिल थोड़े से ठंडे हो चुके हैं, तो अब हम इसको ब्लेंडिंग जार में डालेंगे और हल्का सा दरदरा पीस लेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे हमने तिल को हल्का दरदरा पीस लिया है। अब हम फिर से कढ़ाई गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 1 चम्मच घी, 1 चम्मच। ये लीजिए, घी अच्छे से मेल्ट हो गया, इसको थोड़ा सा हिला लेंगे। और अब हम इसमें डालेंगे गुड़। यहाँ पे मैं 1 कप गुड़ यूज कर रही हूँ, जिसको मैंने थोड़ा मोटा मोटा तोड़ लिया है ताकि ये जल्दी मेल्ट हो जाए और इसके मेल्ट होने का इंतजार करेंगे। थोड़ा सा इसको मेल्ट होने देते हैं और इसके साथ ही मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 1/4 कप पानी। ये लीजिए, यहाँ पे गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है। अब मैं यहाँ पे इसमें मिला रही हूँ बारीक कुटी हुई हरी इलायची। हरी इलायची को मैंने बीज निकाल के यहाँ पे 8 इलायचियों का यूज किया है, जिसे मैंने हल्का सा पीस लिया है। अब मैं इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स मिला रही हूँ। यहाँ पे मैंने 15 काजू और 15 बादाम लिए हैं, जिनको मैंने बारीक पीस लिया है, तो मैं उनको यहाँ डाल रही हूँ पहले ही ताकि अच्छे से मिल जाए। और इसके साथ ही अब हम डालेंगे तिल, जो कि हमने हल्का सा दरदरा पीसा हुआ है, और अच्छे से मिला लेंगे। थोड़ा मैंने पहले डाला और थोड़ा अब डाला है, अच्छे से मिला लेंगे इसको। ये देखिए, बहुत ही अच्छे से मिल गया है। अब इसको थोड़ी देर ऐसे ही मिलाते रहेंगे जब तक ये जमने की उसमें सिचुएशन में नहीं आ जाता, तो इसको हिलाते रहें ताकि ये अच्छे से जम जाए जब हम इसको निकालें। तो अब ये जमने के लिए एकदम तैयार है और यहाँ पे हमने एक प्लेट को ग्रीस कर लिया है, ये देखिए, घी से। कुछ इस तरह आप भी करके रख लें। तो चलिए, ये हमारा बनकर एकदम तैयार है। गैस ऑफ कर लेते हैं और इसको तुरंत उसमें पलट लेते हैं। लीजिए, हमने पूरी प्लेट में इसको पलट के अच्छे से फैला लिया है। अब हम इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट्स डाल के इनको भी अच्छे से इसमें लगा लेंगे और इसको हल्का सा टैप कर लेंगे अच्छे से, ताकि ड्राई फ्रूट्स अच्छे से इसके अंदर लग जाए। अब इसको 5 से 10 मिनट ऐसे ही रहने दें। जब ये हल्का सा ठंडा हो जाएगा तो हम इसमें कट के निशान लगा लेंगे। हमें जिस शेप में चाहिए होगा हम उस तरह इसमें निशान लगा लेंगे। ये लीजिए, यहाँ पे 10 मिनट हो गए हैं और ये अब जमने लगा है, तो चलिए इस पे निशान लगा लेते हैं। जैसे आपको चाहिए आप उस शेप में इस पे निशान लगा लीजिए। ये लीजिए, इसमें हमने अच्छे से निशान लगा लिए हैं। अब इसको प्रॉपर ठंडा होने दें। जब ये अच्छे से ठंडा हो जाएगा तो हम इसके पीसों को अलग कर लेंगे। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारी तिल गुड़ की बर्फी बनकर एकदम तैयार है। ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसको बनाना बहुत ही सिंपल है। तो आप इसको जरूर बनाइएगा अपने घर पे इन सर्दियों में। इसको जरूर बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए। और अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।